लवली फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से संबंधित कुछ विशेष और एडिशनल जानकारी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हस्त रेखा के बारे में। हस्त रेखा के मध्य में, हाथ में, हस्त रेखा शास्त्र में जब हथेली की बात आती है तो हथेली पर आपने वाई का चिन्ह देखा होगा। तो वाई का चिन्ह जब हथेली पर, हथेली की रेखाओं पर, हथेली पर जब बनता है तो इसका मतलब क्या होता है? हथेली पर वाई का चिन्ह होना किस बात को संकेत करता है? क्या ये अशुभ होता है या शुभ होता है? इन्हीं जानकारी को आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वाई का निशान है और हथेली पर जब आ जाता है हाथ पर, तो ये वाई का निशान एक तरह से बहुत ही शुभ निशान है। शुभ इसलिए है कि हर एक चीज में ये वृद्धि देता है, बढ़ोतरी देता है। इसलिए वाई का निशान हमेशा जहां पर भी होगा ये आपको बढ़ोतरी देगा। जिस चीज से संबंधित, जिस पर्वत से संबंधित, जिस लाइन से संबंधित होगा, उस लाइन में या उस लाइन के फल को आपको अधिक कर देगा। जैसे कि दोस्तों, वाई का निशान अधिकतर जो है वो किसी रेखा से संबंधित होता है। वाई का निशान जब भी आप देखेंगे तो किसी न किसी रेखा से रिलेटेड होगा, जैसे भाग्य रेखा से रिलेटेड होगा, या फिर लाइफ लाइन से रिलेटेड होगा, या मस्तिष्क रेखा से रिलेटेड होगा, या फिर हृदय रेखा से रिलेटेड होगा। तो ये वाई का निशान या तो जो है आपके रेखा के स्टार्टिंग में होता है, या फिर किसी भी रेखा के अंतिम में, जहाँ पर वो रेखा जाकर समाप्त होती है, वहाँ पर जो है ये वाई का निशान आपको ज़्यादातर दिखाई देगा। तो अधिकतर 99% वाई का निशान रेखाओं के अंत में दिखाई देता है। तो ये अंत में, इनका मतलब यहाँ पर होता है वाई का, कि जब भी वाई का निशान किसी रेखा के अंत में जा करके लगता है, और तो ये अंत में इसका मतलब होता है कि उस लाइन से, उस रेखा से संबंधित फल को अधिक कर देता है। जैसे कि मस्तिष्क रेखा की हम बात कर रहे हैं, तो ये मस्तिष्क रेखा है और मस्तिष्क रेखा के अंत में जा करके ये वाई बन गया, दो रेखाएँ हो गई। तो वाई का मतलब है, और इन दो रेखाओं का दो होने का मतलब है, जिसे वाई कहते हैं, इसका मतलब है कि ये रेखा, दोस्तों इसको वी भी कई लोग कहते हैं कि वी बन जाता है, तो वाई और वी ये दोनों ही एक ही मतलब है यहां पर। तो ये वाई हो चाहे वी हो, जब ये रेखा के अंत में बन जाता है तो दोस्तों इसका मतलब है जैसे कि मस्तिष्क रेखा के अंत में ये वी या वाई आप ये कहें बन गया है। तो दो रेखाएं हो गई है हमारी भाषा में, तो दो मुखी रेखाएं हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि ये मस्तिष्क रेखा के आगे दो मुहा हो गए हैं, दो मुह रेखा बन गई है। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अपने मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि से काफी तीव्र और बहुत ज्यादा अन्य लोगों से अधिक समझदार होता है, अन्य लोगों से अधिक बुद्धिमान होता है। और बुद्धिमानी नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति थोड़ा विवेकी भी होते हैं, विवेकशील होते हैं। जैसे कि बुद्धिमान होना अलग चीज है, लेकिन विवेक होना अलग चीज है। बुद्धिमान का मतलब होता है किसी भी कार्य को एक अच्छा तरीका बताना, अच्छे से उस कार्य को करना, किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से समझना, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हुए। लेकिन उसी बुद्धि से किसी कार्य के फ्यूचर को फलादेश कर देना कि ये इस कार्य को करने से ये काम निश्चित रूप से सफल होगा या निष्फल होगा, उसे कहते हैं विवेकशील व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति विवेकी भी होते हैं। तो दिमाग तो था ही, लेकिन दो लाइन या वी या वाई आने से वो दिमाग विवेक में या फिर बहुत ही तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, माइंडेड बन गया है। इसी प्रकार से जब ये वाई जो है भाग्य रेखा पर, इस भाग्य रेखा के अंत में जाकर के जब बन जाएगा दो मुही रेखा या वी आप कहें, तो ये वहां जाकर के क्या करेगा कि आपके भाग्य में बढ़ोतरी दे देगा, भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि दे देगा। जब भाग्य रेखा जाकर के दो मुही हो जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों की का जो भाग्य है वो काफी तीव्र होता है, और ऐसे व्यक्ति भाग्य से बड़े भाग्यशाली होते हैं। यूं कहें कि ऐसे व्यक्ति जो है तीव्र भाग्य वाले होते हैं।
और अपने जीवन में धनवान भी बनते हैं, क्योंकि ये रेखा उन्हें कुछ विशेष धनवान बनाने की। कुछ ऐसे धनवान होते हैं जो कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, रोटी पानी और जीवन में आनंद लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ज्यादा जब वी बन जाएगा, वाई बन जाएगा भाग्य रेखा के अंत में, तो ऐसे व्यक्ति अधिक थोड़े से काम से बहुत अच्छा धनवान बन जाते हैं, अच्छे पैसे वाले बन जाते हैं, अच्छा इनका लाइफस्टाइल और जीवन शैली लग्जरी लाइफ जीते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, ठीक उसी तरीके से जब ये वाई वी जब हमारी हृदय रेखा पर चले जाए, जैसे हृदय रेखा है इसके अंत में यदि ये दो मुई रेखाएं हो जाए, वी वाई बन जाए, तो इसका मतलब है कि हृदय, ऐसे व्यक्ति जो है हृदय से बड़े कोमल होते हैं, भावुक होते हैं, जल्दी किसी की परेशानियों को देखकर परेशान हो जाते हैं, जल्दी दिल लगा लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों के दिल भी जल्दी टूट जाते हैं। कई मामलों में लोग ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं, धोखे के शिकार होते हैं, परेशानी के शिकार होते हैं, पैसा किसी को दे देते हैं, या इस तरह के बहुत सारे से काम जिसके कारण इन्हें जो है बहुत हृदय के रूप में हृदय से बड़ा दुख मिलता है। कठोर हृदय वाले ऐसे नॉर्मल हृदय वालों को परेशान करते हैं। ऐसे व्यक्ति हृदय से बड़े दिल वाले होते हैं और दूसरों को जो है पूरी तरीके से हेल्प करने वाले और सहानुभूति दिखाने वाले होते हैं। दिल वाले, बड़े दिल वाले सुंदर आचरण वाले, सुंदर बोलने वाले और सुंदर व्यवहार करने वाले होते हैं, तो और लोगों से थोड़ा अधिक होते हैं। जैसे कि और लोग जान करके किसी दुष्ट या दुष्ट व्यक्ति की हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके वाई हृदय रेखा के आगे बन गया, तो ऐसे व्यक्ति जान करके भी कि दुष्ट है, प्रमादी है या कोई ऐसा है, फिर भी यदि उसकी कोई ऐसी कंडीशन है जो खराब हो गई है, तो फिर भी ये जान करके उनको बचाने की कोशिश करेंगे, उन पर दया दिखाएंगे, उनकी हेल्प फिर भी करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ये दयालु हैं, अपराध करने के बाद भी उसकी पीड़ा, उसके दुख को देख करके दयावान हो जाते हैं। तो है ना कि हृदय रेखा, दिल को इन्होंने और ज्यादा बड़ा कर दिया। तो किसी भी चीज में वृद्धि करने वाले, किसी भी, जैसे स्वास्थ्य रेखा, जो स्वास्थ्य रेखा यहाँ से चलती है और यहाँ बुद्ध पर्वत की तरफ जाती है, तो ये स्वास्थ्य रेखा में भी जो वाई का निशान यदि बन जाए यहाँ पर, यहाँ जा करके, तो ऐसे व्यक्ति शरीर से बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, हृष्ट पुष्ट होते हैं, अच्छे सुडोल शरीर और अच्छे बॉडी के मालिक होते हैं, और ऐसे व्यक्ति जल्दी से बीमार नहीं होते हैं, लंबी आयु जीते हैं, आयु के रहते बहुत सारे आनंद लेते हैं। इस प्रकार से वाई होने से उस जिस रेखा में वाई या वी लगेगा, उस रेखा का प्रभाव या फल और 4 गुना 10 गुना ऐसे व्यक्ति को मिलता है। दोस्तों, ये वाई और वी का जो यहां पर फल था वो मैंने आपको बताया, लेकिन वाई यदि जीवन रेखा के स्टार्टिंग में, जैसे कि जीवन रेखा के अंत में, जैसे जीवन रेखा यहां से चलती है, यहां तरफ आती है, तो अगर ये जितने जल्दी, जैसे कि यहाँ पर अगर ये वी बन जाए, तो यहाँ पर बनने से, या फिर बीच में बन जाए, या यहीं बन जाए, तो ज़्यादा अगर आयु रेखा में ज़्यादा वी बने हैं, बहुत सारी लाइंस निकली हैं, या एक दो निकली हैं, या अंत में यहाँ पर, तो ये आयु रेखा के लिए वी या वाई बनना, आयु रेखा पर, लाइफ लाइन पर वाई या वी बनना थोड़ा कष्टकारक है। थोड़ा क्या, बहुत सारा कष्टकारक है, क्योंकि जहाँ पर भी जाल ज़्यादा आयु रेखा के साथ में बनेगा या वी ज़्यादा दिखाई देगा जगह जगह पर, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन थोड़ा सा अल्पायु कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की अल्पायु होती है। समय समय पर बीमारी या किसी एक्सीडेंटल या किसी कारणवश भी ऐसे व्यक्ति के जीवन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, या फिर अगर वो वाई यहाँ पर आकर के बन गया, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन भी जो है 60 या 70 वर्ष होता है, या वो और बीच में यदि ज़्यादा वाई बन गया तो कम भी होता है। तो जीवन रेखा पर वाई बनना अच्छा नहीं है, या एक्स का निशान बनना अच्छा नहीं है। साफ और सुथरी होनी चाहिए जीवन रेखा, तभी लंबी और आनंदमय जीवन व्यक्ति जी सकता है, लग्जरी लाइफ जी सकता है। तो दोस्तों, ये था हथेली पर वाई और वी का निशान का मतलब। अधिक जानकारी के लिए या कुंडली एनालिसिस करने के लिए, अपने हैंड लाइंस रीडिंग करवाने के लिए, सॉल्यूशन जानने के लिए, आप हमारे नंबर्स पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आपको छोटी सी फीस देनी पड़ती है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।